So a very good morning to everybody and a warm welcome to all the students, respected teachers, faculties of SRKI and principal of Sri C.C. Shah Experimental School. We are very grateful for helping us organize this webinar from our side with your students for career guidance. We will try to see to it that we keep the language simple. सो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करेंगे सो दैट हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएं. अगर स्टूडेंट्स को कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ फील फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस और यू मे इवन टाइप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. सेशन के अंत में भी आपको काफ़ी सारा टाइम दिया जाएगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाएंगे. तो जो भी आपको करियर गाइडेंस रिलेटेड क्वेरीज हैं या जो भी आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद कोर्सेज रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप अपनी अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा. हमारे साथ हमारे कॉलेज के काफ़ी सारे फैकल्टीज़ जो अलग अलग विषय में एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ आज वेबिनार में जुड़े हुए हैं. तो कोशिश रहेगी कि आपकी हर क्वेरी को हम सॉल्व कर पाएँ. करियर गाइडेंस क्यों चाहिए? करियर गाइडेंस इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास क्लैरिटी नहीं है तो हम आगे अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं. तो हमें जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए काफ़ी क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है. और अगर क्लैरिटी चाहिए तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो सही मात्रा में और सही लोगों से प्राप्त हो, तो वो इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो उसका सही उपयोग करके हम अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. और जो भी हमें निर्णय लेने हैं वो निर्णय लेने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटजी, कोई प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन होना ज़रूरी है. तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करियर बनाने के लिए. एक तो आपको आपकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, आपको कौन से विषय पसंद है नापसंद है वो आपको पता होना चाहिए. दूसरा ये रहता है कि आपकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है. आपकी कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स में आपकी वीकनेस है जिसको आप छोड़ के कोई दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप बहुत टैलेंटेड है तो उसको पकड़ के कैरियर बना सकते हैं. और उसके अलावा आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि 12th स्टैंडर्ड कम्प्लीट होने के बाद आपके लिए कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स की कैरियर पोटेंशियल अवेलेबल है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अलग अलग विषयों का ज्ञान दें जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं. तो आगे चलते हैं. कौन है हम और हम किस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे? हम श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड अप्लाइड साइंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अप्लाइड साइंसेस एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम जो भी विज्ञान के विषय हैं उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के काफ़ी सारे प्रैक्टिकल इनोवेशंस हम रियल लाइफ में यूज़ कर पाए उसका एप्लीकेशन पार्ट बच्चों को सिखाते हैं. और इसके लिए हमारी इंस्टीट्यूट पिछले 20 सालों से कार्यरत है. हम बहुत गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि हमारी इंस्टीट्यूट का जो बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन हमारे हाल में जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी उनके हाथों से किया गया था. हम सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी जो 108 साल पुराना ट्रस्ट है जो काफ़ी बरसों से एजुकेशन के फील्ड में डेडिकेटेड सर्विसेज दे रहा है और आपकी स्कूल भी उसी ट्रस्ट की एक स्कूल है तो हम भी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी मैनेजमेंट ट्रस्ट से आ रहे हैं. हमारा अब ये कॉलेज जो है दूसरी सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की 7 अलग अलग कॉलेजेस के साथ मिलके अब सार्वजनिक यूनिवर्सिटी बन चुकी है जो यूजीसी मान्यता के साथ आपके सामने प्रस्तुत है. अब हम 12th स्टैंडर्ड के बाद 6 बीएससी कोर्सेज और 14 एमएससी कोर्सेज लेके आपके समक्ष आज उपस्थित हैं. तो क्यों हमारा रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आपको चुनना चाहिए या यहाँ ऐसी क्या खासियत है?
तो रामकृष्ण इंस्टीट्यूट में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स मिल जाएंगे जो सालों से अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। ये सभी टीचर्स यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से एलिजिबिलिटी पाए हुए हैं। ये सभी टीचर्स पीएचडी नेटस्लेट क्लियर किए हुए हैं। सो हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ इज देयर इन एसआरकेआई। उसके अलावा हमारे पास स्टेट आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही एडवांस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको कंप्यूटर से लेके हर एक फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी तक, मॉडर्न साइंसेज में उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज अच्छे से मिल जाए, उनकी स्किल्स डेवलप हो। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छा एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिले। तो उसके लिए भी जो भी सुविधा साधन चाहिए वो यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ विषय ज्ञान होना आवश्यक है ऐसा नहीं, पर दूसरी भी काफी सारी फील्ड्स में स्टूडेंट का डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को काफी सारी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज दें, उन्हें प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जिनसे उन्हें काफी सारा नो ग्रोथ करने का मौका मिल जाए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की चॉइसेस यहाँ उपलब्ध रहती हैं, जिसमें से आप अपने सब्जेक्ट्स का, मनपसंद सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं और उसकी मदद से अपना एक होलिस्टिक कैरियर बना सकते हैं। तो रामकृष्ण सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए हैं ऐसा नहीं, हम कॉमर्स आर्ट्स के बच्चों के लिए भी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोर्सेज उपलब्ध करवाते हैं। तो ये सभी के लिए एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही आइडियल रहेगा कि अगर आप इसका चयन करते हैं तो आपके पास काफी सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं एक ही जगह पे। कुछ एक फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ, ये हमारी लेबोरेटरीज हैं। आज की नो आज के दौर में हम जानते हैं कोरोना वायरस वगैरह के ऊपर रिसर्च होना बहुत जरूरी है। तो एनिमल टिश्यू कल्चर जैसी नो काफी एडवांस लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है जो हमारे यहाँ उपलब्ध है। कंप्यूटर के फील्ड में भी हमें काफी आगे बढ़ने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास ये बहुत ही एडवांस कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं उससे प्राप्त हो जाती हैं। हमारे पास इसके अलावा भी 9 वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज हैं जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनवायरमेंटल साइंस जैसे विषयों के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए उपलब्ध है। ये कुछ उसी के आप फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं। जब भी आप फ्री हो तो आप सबको हमारा हमारी तरफ से नो निमंत्रण है कि आप हमारी इंस्टीट्यूट में आए और पर्सनली ये सारी चीजों को अनुभव करें। हमारे पास एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन रूम भी है जिसमें हम अद्यतन साधन सेवाएं रखे हुए हैं, जैसे कि पीसीआर, जेल डॉक, एचपीएलसी जैसे बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ बच्चों के लिए उपलब्ध करवाते हैं, जिसकी मदद से बच्चे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस जैसे विषयों में एडवांस रिसर्च संशोधन के लिए कार्यरत हो सकते हैं। क्लासरूम फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया है। एलसीडी प्रोजेक्टर से सज्जज सभी क्लासरूम्स यहाँ आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने के लिए हमने तैयार किए हैं। काफी स्पेशियस क्लासरूम्स अवेलेबल हैं। बच्चों को चाहिए रीडिंग मटेरियल और उसके लिए बुक्स और ई बुक्स की जरूरत पड़ती है। काफी सारे जर्नल्स और मैगजीन्स उपलब्ध करवाना जरूरी होता है। तो ये हमारी लाइब्रेरी है जो जहाँ पे आप कंप्यूटर फैसिलिटी भी पाएंगे, साथ में रीडिंग रूम भी अवेलेबल है और काफी सारी ई बुक्स और बुक्स हार्ड कॉपीज के फॉर्मेट में आपको यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। खेल कूद भी उतना ही आवश्यक है जितना पढ़ाई। तो खेल कूद के लिए हम बहुत ही गर्व के साथ कहेंगे कि सूरत में इतना बड़ा प्लेग्राउंड होना बहुत बड़ी बात है और हमारी संस्था के पास एक बहुत ही
अच्छा प्लेग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम नेशनल लेवल तक प्लेयर्स को तैयार करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो वो खेलकूद का मैदान काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल होता है। अगर बाहर से कोई स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं तो उनके लिए भी हमारे पास सेपरेट गर्ल्स बॉयज हॉस्टल और कैंटीन की सुविधाएं हैं, तो जिन लोगों को घर से आने जाने की दिक्कत है या सूरत के बाहर के बच्चे हैं, वो लोग यहाँ आके रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। एसआर के आई की और एक खासियत ये है कि यहाँ आपको एक ही जगह काफी सारा पढ़ाई का स्कोप मिल जाता है। वी ऑफर स्टार्टिंग फ्रॉम बीएससी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस टिल दैट ऑफ पीएचडी कोर्सेस जस्ट इन वन अम्ब्रेला रूफ ऑफ एसआरकेआई। सो यहाँ आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मिलेंगे, 3 साल के बीएससी कोर्सेस, उसके बाद आप आगे दूसरी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। हर एक विषय में आपको लगभग 3 अलग-अलग प्रकार के एमएससी कोर्सेस उपलब्ध मिल जाएंगे, और अगर आप उससे भी ज्यादा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पीएचडी डिग्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। साथ ही में अगर किसी को ऐसा है कि एमएससी के बाद हमें पीजी डिप्लोमा कोर्स करना है, तो वी ऑल्सो ऑफर पीजी डिप्लोमा कोर्स एट अवर इंस्टीट्यूट। सून वी प्लान टू हैव सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज ऑल्सो। मोर ओवर हमारी संस्था में हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ट्रांस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भी मिले, तो ट्रांस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के लिए जो हमारे साथ दूसरी 7 इंस्टीट्यूट्स जुड़ी हैं उसके साथ मिलकर हमने काफ़ी सारे नए कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं कि जो आपकी हॉबीज और आपके लाइकिंग्स को फुलफिल करने के लिए मदद रूप होंगी, साथ में आपको एक फुलफिलिंग कैरियर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगी। तो आप ऐसे ट्रांस डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी ले सकते हैं। तो काफ़ी कुछ नया लेके हम स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, इसका लाभ जरूर लें। कोई भी कॉमर्स आर्ट साइंस के बच्चे हैं तो वो कंप्यूटर के बीएससी कोर्सेस जैसे कि बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स या फिर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, उसमें जा सकते हैं। अगर आप 12th साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई भी ग्रुप है आपका, ए ग्रुप, बी ग्रुप या ए बी ग्रुप, तो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में बीएससी करने का स्कोप हमारे साथ उपलब्ध रहेगा। ये हमारा कोर्स लिस्ट है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से, वो सारे हमारे बीएससी के कोर्सेज हैं, तो इसमें आप जो भी आपका विषय मनपसंद विषय है उसमें आप इस ले सकते हैं अपना एडमिशन और हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एमएससी करना है तो हम 14 अलग-अलग प्रकार के एमएससी कोर्सेज भी उपलब्ध करवाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी ई ब्रोशर के फॉर्मेट में आपके टीचर्स के साथ शेयर की है। आशा रखती हूँ आपको क्लासरूम में वो उपलब्ध करवाई गई होंगी। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आप हमारी वेबसाइट www.sarvajanikuniversity.ac.in पे जा सकते हैं और वहां से भी एडमिशन और सब कोर्सेज की माहिती आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स, अभी मैं चाहूंगी कि हम हर एक विषय का थोड़ा डिटेल में कोशिश करें जानने का कि कौन से विषयों में क्या क्या उपलब्ध होता है। तो हम विषय के हिसाब से एक एक कोर्स के बारे में आपको थोड़ी माहिती बताएंगे। तो मेरे साथ उपलब्ध हैं आज हमारे कुछ एक तज्ञ जो अलग अलग विषय के बारे में आप सबको बताएंगे, उसकी माहिती देंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ दताशा मैडम को, जो हमें बायोटेक्नोलॉजी विषय में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, उसमें क्या स्कोप रहेगा फ्यूचर के लिए, कौन से विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे, उसकी डिटेल्स मैडम आपको बताएंगी। तो दताशा मैडम प्लीज कंटिन्यू। यस मैडम, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वन एंड ऑल. यू नो दैट आज के ज़माने में अभी भी जो हम लोग जहाँ से काम कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी अब एक ऐसा अंग बन चुका है कि जिसके बगैर अब जीना हम लोग सोच नहीं सकते हैं.
आप जैसे जानते हो, आप अभी जो स्लाइड देख रहे हो उसमें भी जैसे दिखाया गया है, हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी को जब कंबाइन करते हैं और कुछ ऐसा प्रोसेस डेवलप करते हैं जिससे सोसाइटी के लिए कोई यूजेबल एप्लीकेशन तैयार हो सके। अब हम जब बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो पूरा का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम या उसके मॉलिक्यूल्स को यूज करके हम लोग ये प्रोडक्ट्स और प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, एग्जैक्टली उसमें होता क्या है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। यस, सो अगर मैं डेफिनेशन कहूँ इस सब्जेक्ट की, बायोटेक्नोलॉजी की, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ लिया हो गया, या आपने कुछ सिर्फ टेक्निक्स पढ़ ली तो हो गया। यहाँ पे आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी जो भी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है, कंप्यूटर की एस्पेक्ट्स है, ये सारी मिलजुल के एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे कहा, अगर सिर्फ सिंपल डेफिनेशन दी जाए तो आप बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट या एनिमल्स, किसी भी सिस्टम को टेक्नोलॉजी से कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट, कुछ प्रोसेस ऐसे डेवलप करते हो जिससे सोसाइटी की बेहतरी की जा सके, उसके बेटरमेंट के लिए यूज किया जा सके। जब मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ तो मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, फंजाई, अल्गी, जो भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वायरसेस तक यूज कर सकते हैं। प्लांट्स चाहे कोई भी हो, एनिमल्स चाहे कोई भी हो, उनके सेल्स, उनके मॉलिक्यूल्स या वो खुद पूरे के पूरे हम लोग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से उपलब्ध है, राइट? सो हम अगर थेरेपी की बात करें, हम दवाइयों की बात करें, तो काफ़ी सारी ऐसी ड्रग्स है, ऐसी थेरेपीज के लिए यूज़ की जाने वाली प्रोडक्ट्स है, कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में है। डायबिटीज़ किसे नहीं पता है ना? डायबिटीज़ अब तो ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड वाइड इतने सारे केसेस मिलते हैं, और काफ़ी सारे केसेस में आपको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की मदद लेनी पड़ती है। और ये इंसुलिन कहाँ से आया? इंसुलिन तो हम बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस को डायरेक्टली यूज़ करके इंसुलिन निकाल नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे काम आता है बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे इंसुलिन को बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन बनाते हैं जो अब हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? वैक्सीन्स की बात की जाए, अभी हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन में वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोई वेपन ही नहीं बचा है कि जिससे हम उसके सामने लड़ पाए, उससे बच पाए। और ये वैक्सीन्स जो आपको मुहैया कराई गई हैं, ये सारी जो है मॉलिक्यूल बेस्ड है ना? आपकी काफ़ी वैक्सीन्स जो है, जो हम कोविड के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो mRNA से बनाई गई हैं, आपके मॉलिक्यूल से बनाई गई हैं, वायरस के मॉलिक्यूल से बनाई गई हैं, जहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी का हाथ है। एग्रीकल्चर की बात करो तो आपके पास ऐसे प्लांट्स है कि जिसको बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, ऐसे कॉटन के जो जिस पे किसी इंसेक्ट का असर ना हो, राइट? तो ये इंसेक्ट का असर ना हो उसकी वजह, उसके लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया हुआ है। वैसे ही गोल्डन राइस की बात करो, नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में गोल्डन राइस की जब बात की जाती है तो वहाँ पे विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और वो इस तरह से बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। वैसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करो, चीज़ किसे नहीं पसंद है, आइसक्रीम किसे नहीं पसंद है ना? हमारे रोज़ ब रोज़ के डाइट में भी हम दही या छाछ, बटर मिल्क तो यूज़ करते ही हैं, और इनको प्रोड्यूस करना, प्रोबायोटिक लस्सी, राइट? तो ये सारी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी आपका बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। वैसे ही हम ऑर्गन कल्चर की बात करते हैं, अब ऐसे दिन दूर नहीं है कि अगर हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो हम ऑर्गन किसी और एनिमल से या ह्यूमन से निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। ऐसे भी दिन आएंगे कि हम लेबोरेटरी में ही ऑर्गन्स बना सकते हैं और उसको ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? अगर सिंपल सी बात की जाए, अगर मैं इसी एनिमल सेल कल्चर की बात करती हूँ, तो आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट? सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो इनफर्टिलिटीज है, जिनको बच्चे नहीं हो सकते हैं, राइट, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक
लाभदायी हुई है, राइट? सो आप जैसे देख सकते हो, हमारी काफ़ी ज़िंदगी की रोज़ रोज़ की चीज़ें भी बायोटेक्नोलॉजी से अब जुड़ी हुई है। तो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो BSc का कोर्स है हमारे संस्था में जो चलाया जाता है SRKI में, ये आपके पूरे 6 सेमेस्टर में विभाजित है। यानी आपको 3 साल में 6 सेमेस्टर्स पढ़ने हैं एंड आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री मिल जाती है। आप इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या, है ना? आप अगर जानते हैं कि आपको कभी भी कोई गेम खेलते हैं आप, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे आप खुद प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, पहली पहली बार जब आप जाते हो तो पहली बार ही आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहता है। आप जब तक रूल्स समझ नहीं लेते हैं, आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, तब तक आप उस गेम को जीत नहीं पाते हैं, है ना? मोबाइल में भी आपको कंट्रोल्स अगर पता चल जाते हैं तो आप ये गेम अच्छे से खेल के जीत पाते हैं। तो वैसे ही अगर हमें किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करना है, उसको इस तरह से बनाना है कि हमारी एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाए, तो आप उसके हर बेसिक चीज़ों को जानना चाहेंगे, हर कंट्रोल को जो नेचर कंट्रोल करता है वो कैसे करता है आपके सिस्टम को, वो अगर आप जान पाओगे तो आप उसको इजीली टेक्नोलॉजी से कंबाइन कर पाओगे। और इसी वजह से इस कोर्स में आप सेल लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल तक की पढ़ाई करेंगे ताकि उसका आप एप्लीकेशंस कर सकें, राइट? और वैसे ही मैंने जैसे कहा मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो आप जब रिसर्च करने के लिए जाओगे तो उसका जो बेसिक डेवलपमेंट है वो भी आपको इस BSc कोर्स से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो कोर्सेज यानी कि सब्जेक्ट्स की बात की जाए जो आप इस कोर्स के अंदर पढ़ सकते हैं, उसमें है एनिमल एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप एनिमल और प्लांट को किस तरह से एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो, कैसे उनको कल्चर किया जा सकता है लैब कंडीशंस में, ये आप जानोगे, ठीक है? बायोकेमिस्ट्री, है ना, मैंने कहा मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, DNA, RNA, एंजाइम्स, इनकी बात की जा रही है, इन प्रोटीन्स की बात की जा रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जा रही है, तो इनको आप पढ़ोगे तो उनका यूज करना सीख पाओगे। सेल क्या होता है, सेल में क्या अलग अलग चीजें होती है, कौन सा सेल किससे डिफरेंट है, ये आप जानोगे सेल बायोलॉजी में। और साइटोजेनेटिक्स और जेनेटिक्स में आप ये जानोगे, ये पढ़ोगे, है ना, कि इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्यों आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हो, आप अपने दादा दादी के जैसे दिखते हो, वहाँ पे जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। और कई बार आपके इतने डिसऑर्डर्स होते हैं जो वंशीय इनहेरिटेड होते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये जान पाओगे कि उनको स्टडी कैसे किया जा सकता है, उनको किस तरह से क्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, ट्रीटमेंट्स क्या की जा सकती है, प्रिकॉशंस अगर हो सके पॉसिबल तो क्या लिए जा सकते हैं, ठीक है? वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना है तो उनके बारे में भी जानना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग पढ़ेंगे माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। सो और मॉलिक्यूल्स को अप्लाई करना है तो उनको मैनिपुलेट करना है और टेक्निक्स अप्लाई करनी है तो आप वो पढ़ लोगे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यानी RDNA टेक्नोलॉजी में। सो आप जैसे देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आप इतने तैयार हो जाओगे कि BSc के बाद भी आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम, नेहल मैडम, यस थैंक यू मैडम। सो अगर हम स्कोप की बात करें, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो BSc के बाद आप MSc करने जा सकते हो, और MSc में भी आप बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए जा सकते हो या जेनेटिक्स के लिए, और फिर रिसर्च के लिए PhD में या रिसर्च एरियाज में भी जा सकते हो। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो भी आप जा सकते हो, BSc के बाद अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपको BEd करना पड़ेगा, या अगर आप कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो MSc के बाद यू हैव टू परफॉर्म PhD और वहाँ से यू कैन गो फॉर एकेडमिक्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से आप एग्रीकल्चर साइंसेस यानी एग्रो इंडस्ट्रीज में आपको जॉब मिल सकती है, आप फार्मास्यूटिकल्स ड्रग इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रिसर्च के लिए जा सकते हैं, आप फॉरेंसिक लैब्स में भी जा सकते हैं, एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी भी आपका एक सब्जेक्ट होगा आपके BSc में। हम जैसे जानते हैं कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, वेस्ट इतना जनरेट होता है उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको इंडस्ट्रीज में रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जाना है,
डायग्नोसिस के लिए, किट डेवलपमेंट के लिए जाना है तो भी आप इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। लैब्स, ऐसी लैब्स जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस कर सकती है, काउंसलिंग कर सकती है, वैसी लैब्स में भी आप जा सकते हैं, राइट। और लास्ट में अगर आपको जाना है तो आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। सो एज यू कैन सी, आपके पास काफ़ी स्कोप बचते हैं अगर आप बीएससी से ही ऑप्ट आउट करना चाहते हो, और एमएससी के बाद भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप एमएससी करके भी आगे बढ़ सकते हो। सो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हैं एट द एंड। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू दत्ताशा मैम। सो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, हम लोग अब एक और विषय के बारे में और उसके कोर्सेज के बारे में माहिती लेंगे। तो मैं डॉक्टर तोरल मैडम को इनवाइट करती हूँ। वो केमिस्ट्री की एक्सपर्ट हैं और वो हमें बताएंगी कि बीएससी केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना मिलता है, उसमें क्या स्कोप रहेंगे। साथ ही मैं चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रही हूँ। हमारी कॉलेज की तरफ से ये एक छोटा सा एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्विज है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें से आपको एट द एंड रिजल्ट के हिसाब से ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो डू पार्टिसिपेट इन दिस लिंक। इस क्विज को मैं आपके टीचर्स के साथ भी शेयर कर दूंगी, तो क्लासरूम में भी ये आपको मिल जाएगा। तो नाउ आई इनवाइट डॉक्टर तोरल मैडम टू प्लीज शेयर हर व्यूज अबाउट केमिस्ट्री एंड द फ्यूचर एंड स्कोप्स इन केमिस्ट्री एज इन कैरियर। मैडम प्लीज। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर तोरल देसाई। आई थिंक केमिस्ट्री नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सबको केमिस्ट्री क्या है ये पता ही है। कोई भी एक बंदा अपने जन्म से लेके अपने आखिरी सांस तक केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ होता है। आप ही सोचो, जब आप सुबह उठते हो तब से लेके रात को जब सोते हो, टूथब्रश हाथ में लिया, टूथपेस्ट लिया, या फिर रात को जब सोते वक्त आपने मॉस्किटो दूर करने के लिए या तो मॉस्किटो क्रीम लगाई या तो फिर आपने जो भी गुड नाइट जलाया, दिस ऑल थिंग्स आर एक्चुअली फ्रॉम द केमिस्ट्री। सो यू ऑल आर अवेयर रिगार्डिंग दिस केमिस्ट्री। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ यू नो दिस केमिस्ट्री इज अनअवॉइडेबल। एंड केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस की वजह से ही आप समझते हो, 12th में भी आपको केमिस्ट्री कंपलसरी पढ़ाया जाता है, पढ़ना पड़ता है। सो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी को डॉक्टर्स की या तो इंजीनियर्स की जितनी भी जरूरत है, इतनी ही जरूरत बेसिक साइंस पढ़ने वाले बच्चों की भी है। आपको अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता है तो वो मेडिसिन बनाने के लिए भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें एक केमिस्ट चाहिए ही चाहिए। आपको वैक्सीन बनानी है, आपको फर्टिलाइजर बनाना है, आपको मेडिसिन बनानी है, आपको किसी पैथोलॉजी लेबोरेटरी के लिए सॉल्यूशंस बनाने हैं। आप कहीं भी जाओ, सुगर इंडस्ट्री में जाओ, विदाउट केमिस्ट्री नथिंग इज पॉसिबल। तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। सो बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद क्या स्कोप रहेंगे, उसके बाद इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले मैं बता दूं कि ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग ए ग्रुप और बी ग्रुप और ए बी ग्रुप, ऑल आर एलिजिबल फॉर बीएससी केमिस्ट्री। बीएससी केमिस्ट्री कि अगर बात करूं तो पर्टिकुलरली इन अवर इंस्टीट्यूट विथ ऑल द कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, जो बीएससी केमिस्ट्री में जो भी कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके साथ साथ कुछ नए अनूठे सब्जेक्ट्स भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। आजकल लोग बोलते हैं केमिस्ट्री वालों पे एक इल्जाम लगाया जाता है कि आपकी वजह से पोल्यूशन बहुत सारा है, बट यू ऑल आर अवेयर विद दिस कि आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, हमारी जिंदगी को अच्छे बनाने के लिए इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इज मस्ट। तो हमने उसके साथ
जीना है और उसी के साथ ही हमें डेवलपमेंट करना है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए केमिस्ट्री में भी बहुत सारे नए नए आयाम, नए नए प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं। तो एज आई टोल्ड यू इन बीएससी केमिस्ट्री बाय दिस सार्वजनिक यूनिवर्सिटी, दैट आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन दिस, इन बीएससी केमिस्ट्री अलोंग विद द कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स वी आर जस्ट गोइंग टू टीच यू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ऑल्सो। एज यू नो वी आर लिविंग इन साउथ गुजरात एंड दैट इज पर्टिकुलरली एन इंडस्ट्री। सूरत में ही और सूरत के आसपास दो बड़ी जीआईडीसी है, वापी इंडस्ट्रियल एस्टेट एंड अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट। तो ये जीआईडीसी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, खास करके उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री का प्रभुत्व है। तो ये हमारे बीएससी केमिस्ट्री कोर्स में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड कोर्सेज भी, पेपर्स भी डाले हुए हैं। आप पॉलीमर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ न्यू मटेरियल्स, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जैसे नए नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे। तो बीएससी केमिस्ट्री के साथ आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जब आप बाहर निकलते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या, अब हम ये देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि हम ये अलग अलग सिलेबस, हम अलग अलग पेपर्स पढ़ के बीएससी की डिग्री लेके जब बाहर आप निकलते हो, तो पहले आगे पढ़ने की ही बात हम करें तो बीएससी केमिस्ट्री के बाद आप बहुत सारे मास्टर कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप एमएससी मास्टर डिग्री जिसे कहते हैं, इन केमिस्ट्री के लिए तो एलिजिबल हो ही। केमिस्ट्री में भी अलग अलग शाखाएं होती हैं, एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे अलग अलग मास्टर कोर्सेस में आप आगे बढ़ सकते हो। इसके साथ आजकल बच्चों में जो ज्यादा जिसके लिए उत्सुकता मैंने देखी है, तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए भी आप एलिजिबल होते हो। फिर सुगर टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, आप पॉलीमर टेक्नोलॉजी जैसे आगे के कोर्सेज में भी आप एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। अगर आप सोचते हो कि बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद मुझे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में आगे पढ़ना है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है पीजीडीएमएलटी है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। एमएससी एनवायरमेंट साइंस के लिए भी आप एलिजिबल हो। तो बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद अगर आपको स्कूल टीचर बनना है, तो बीएड के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है। तो आगे पढ़ाई के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लेकिन किसी ने सोचा कि नहीं भाई, मुझे आगे नहीं पढ़ना है, मुझे बीएससी केमिस्ट्री करके फिर मुझे जॉब करनी है या मुझे अपना कैरियर आगे बढ़ाना है, तो आपके पास यू विल हैव अ वेरी ब्रॉड, वेरी वाइड होराइजन फॉर योर करियर। यू कैन बी, आप समझ सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री विदाउट केमिस्ट पॉसिबल नहीं है। तो बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्री, फिर आप सोचो कि कोई भी जो भी कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, कोई फूड एंड फ्लेवर इंडस्ट्री है, उसमें आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हो। आप किसी स्कूल या कॉलेज में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे भी काम कर सकते हो। आप प्रोडक्शन केमिस्ट, क्वालिटी कंट्रोलर, टॉक्सिकोलॉजी में भी आप अपना करियर बना सकते हो। आजकल आप देखते हो कि हम ज्यादातर पैकेज्ड वाटर पीने का आग्रह रखते हैं, तो जो वाटर क्वालिटी है, वाटर मैनेजमेंट है, उसमें भी बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपको जॉब मिल सकती है। सो आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री यू विल हैव अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस। तो आप बीएससी केमिस्ट्री करें, बेसिक साइंस में आगे बढ़ें, तो आपके पास फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऑप्शंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू तोरल मैम। सो स्टूडेंट्स, अभी हम एक और
विषय को एक्सप्लोर करेंगे इसके बाद, और वो है कंप्यूटर साइंस, हमारे मोबाइल हैंडसेट, और अभी भी जो हम ऑनलाइन आपके साथ वेबिनार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो कंप्यूटर साइंस में हमें क्या उपलब्ध रहेगा, उसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ श्रीपाल सर को, जो हमारे कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट हैं, और वो आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी डिग्रीज का आप चयन कर सकते हैं। श्रीपाल सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग ऑल। सो अकॉर्डिंगली आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, जिसके अंदर हमारे पास दो कोर्सेज अवेलेबल है कंप्यूटर के रिलेटेड। फर्स्ट कोर्स इज बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड सेकंड कोर्स इज फॉर बीएससी कंप्यूटर, सॉरी बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So accordingly, these two courses are available for those who have cleared 12th examination. Okay, इसमें से जो जिसने 12th science जिनका साइंस का लाइक ए बी ग्रुप या ए ग्रुप वाले जो है उनके लिए स्पेसिफिकली बी एस सी कंप्यूटर साइंस रहेगा, जिसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। बट उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट लाइक वाई यू नीड टू चूज दिस ब्रांच, वट इज द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग दिस ब्रांच, बिकॉज एज मेनी ब्रांचेज आर अवेलेबल, डिफरेंट ऑप्शन आर अवेलेबल। So out of these all available options for computer science as well as information technology students, okay, तो बाकी जो courses है उसकी जगह पर ये course क्यों लेना चाहिए, इस course के पीछे लेने का महत्व क्या है, उसके मैं दो तीन examples आपसे share करूंगा। First example is say for example you know about robotic surgery, okay, so कोई doctor जो है expert है जो foreign में बैठा है, outside India बैठा हुआ है, वो Mumbai में कोई hospital है जहाँ पर surgery चल रही है, उसको अपने country में बैठे बैठे operate कर रहा है, okay, that is known as robotic surgery, जिसके अंदर इन प्लेस ऑफ द एक्चुअल ह्यूमन बीइंग, जो एक्चुअल जो पर्सन होता है उसकी जगह पर कोई और बंदा काम कर रहा है, ओके, सो लाइक दैट। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी इन मेडिकल साइंस फील्ड। सेम वे आपने सब जगह पर देखा होगी, आप कहीं पर भी व्हाट कैन से लाइक सुपर स्टोर या तो कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हो, ओके, तो वहां पर आपको बिलिंग सिस्टम में पता है लाइक दे आर जस्ट स्कैनिंग, वो क्या कर रहे हैं आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बार कोड होता है उसको स्कैन करते हैं, एंड इमीडिएटली एंट्री विल बी देयर एंड अकॉर्डिंगली योर बिलिंग सिस्टम विल बी अपडेटेड। तो ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा और विद इन फ्यू सेकंड्स, सिर्फ थोड़ी सेकंड्स के अंदर आपने जो 20 30 40 प्रोडक्ट्स लेके रखी है सारे के सारा टोटल बिल साथ में रेडी हो जाएगा, इजंट इट? सो अकॉर्डिंगली दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल। उससे छोड़ के एक स्टेप आगे और कि आप घर पे बैठो या तो अपने ऑफिस में बैठे, ओके, आपको भूख लगी है, यू कैन प्लेस योर ऑर्डर ऑन जोमेटो स्विगी, और तुरंत आपको वो ऑर्डर के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, आपकी जो फूड आपकी जो चॉइस है उसके हिसाब से आपको फूड भी मिल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप घर बैठे आपका ऑफिस घर बैठे या तो ऑफिस में बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट भी उसका कर सकते हैं। तो ये सारी की स्किल देने, तो दिस ऑल आर द व्हाट वी कैन से लाइक से प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ओके। सपोज आप कंप्यूटर से ऑर्डर प्लेस करते हो या तो मोबाइल ऐप से ऑर्डर प्लेस करते हो, तो वेब एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और एक लास्ट एग्जांपल सपोज मैं आपसे शेयर करूँ, तो यू जब भी हम कुछ भी परचेज करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग आइदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ओके। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसके अंदर दो टाइप्स के कार्ड आते हैं, व्हाट वी कैन से लाइक मास्टर कार्ड और वीजा, ओके। तो आपने देखा होगा वीजा इलेक्ट्रॉन करके लिखा होगा, ओके। सो दिस काइंड ऑफ कार्ड्स आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन पेमेंट, जिसके अंदर आप एयर टिकट से लेके ट्रेन टिकट से लेके कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग है या तो कुछ भी परचेज करते हैं उसके पेमेंट्स कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिसेंट सर्वे, अभी थोड़ी देर दिनों पहले सर्वे हुआ था, उसके अंदर ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है कि लाइक इट इज वर्किंग एट द स्पीड ऑफ 3 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख ट्रांजेक्शन की स्पीड से काम करता है। दीज आर द ऑफिशियल फिगर्स आइडेंटिफाइड बाय एन एनजीओ, ओके। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके, उन्होंने ये आइडेंटिफाई करके रखा है कि लाइक इतनी स्पीड पे ये काम करता है। एंड देन ऑल्सो इफ यू फील के लाइक अभी मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, 2 घंटे बाद मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और लेना है, तो मैं ऑर्डर कैंसिल करूँ, तो जैसे मैं ऑर्डर कैंसिल करूँ तुरंत मैंने जो पेमेंट किया है वो मेरे खाते में वापस आने का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। सो यू कैन इमेजिन, यू कैन अंडरस्टैंड के लाइक इतनी स्पीड में जो काम हो रहा है, इतने सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहे, सारे के सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं, इजंट इट? तो इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि लाइक जब भी जिस कोई भी ट्रांजेक्शन को आपको रोल बैक करना है, अंडू करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली। मोर ओवर आपको ये भी पता है कि जो बैंक की डिटेल्स होती है वो बैंक की डिटेल कितनी कॉन्फिडेंशियल एंड इंपॉर्टेंट होती है, इजंट इट? तो यहाँ पर अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि लाइक इसके ऊपर से आपको ये पता चल सकता है कि लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मार्केट के अंदर कितनी सारी डिमांड है। तो इसके लिए आपको कौन कौन से टाइप चाहिए, तो इसके एक्सपर्ट्स चाहिए, तो जैसे आपको अभी स्लाइड में दिख रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट्स,
सॉफ्टवेयर डिजाइनर एंड डेवलपर्स. ओके, सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी करना है और डेवलप भी करना है, कोडिंग भी करना है. मोबाइल ऐप डेवलपर्स तो आज के दिन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट, बिकॉज के जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उसको प्रॉपरली टेस्ट करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि वेदर इट इज अप टू द मार्क और नॉट, वेदर इट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली एज पर द रिक्वायरमेंट और नॉट, इजंट इट. एंड R&D के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है. आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, इस चीज के अंदर आज के दिन में बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं. IoT उसके अंदर भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं. तो ये सारे के सारे ऐसे एडवांस टॉपिक्स है जिसके अंदर R&D इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. मोर ओवर टू स्टोर ऑल दिस काइंड ऑफ डाटा, जैसे मैंने बोला कि लाइक 3 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड की स्पीड से डाटा स्टोर हो रहा है, तो आप समझ सकते हो या सोच सकते हो कि कितना बड़ा उसका डाटा बेस होगा. और नेटवर्क हर जगह पर जरूरी है, क्योंकि लाइक जब बिना नेटवर्क के लिए ऑल दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू हैव. ओके, अब ये कंप्यूटर साइंस और BSc कंप्यूटर साइंस और BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट कोर्सेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप सीखेंगे, कौन कौन से टॉपिक सीखेंगे, सब्जेक्ट इन द सेंस कि लाइक इसके ऊपर फोकस किया जाएगा. तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस इज एसोसिएटेड विद द साइंस फ्रेटर्निटी, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस के एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सबसे पहले वो डिस्कशन में आएंगे. दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस. देन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT, एज यू ऑल नो. ओके, तो इसके अंदर अभी एम्बेडेड सिस्टम और IoT के अंदर क्या होगा कि लाइक यू नो कि सपोज एक मैं आपको वापस एग्जांपल शेयर करता हूँ कि आपके पेरेंट्स अभी ऑफिस से घर से ऑफिस जा रहे हैं सुबह में, तो वहाँ घर से निकलते ही उसने मोबाइल से अपने ऑफिस का AC ऑन कर दिया कि जब भी वो 10 मिनट के बाद ऑफिस में पहुंचेंगे तब जाके उसको पूरी ऑफिस जो एकदम कूल हुई मिलेगी, क्योंकि लाइक उसने क्या किया, घर से निकलते ही अपने मोबाइल से या अपने पास जो डिवाइस है उनसे ऑफिस का AC घर बैठे ऑन कर दिया, लाइक दैट. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स और फैसिलिटीज आर अवेलेबल nowadays एंड अकॉर्डिंगली मेनी मोर थिंग्स आर स्टिल रेडी टू गो. ओके, देन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो हर जगह पर वो तो जरूरी है ही. ओके, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जो पूरा सॉफ्टवेयर बनाने का आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसके अंदर से सीखने को मिलता है, जिसके अंदर मेन जो कंटेंट आता है दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. पूरा लाइफ साइकिल होता है कि जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करके डेवलप किया जा सकता है, isn't it? Then computer graphics and animation is also much more important, because कि जब भी आप स्टडी कंप्लीट करेंगे उसके बाद सपोज आपको ऐसा लगता है कि मुझे गेम डेवलपमेंट, जो आज के दिन में हॉट बहुत हॉट टॉपिक है, सभी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो यू कैन डिजाइन एंड डेवलप योर कैरियर. ओके, आप अपने कैरियर को उसके अंदर नर्चर कर सकते हैं जिसके अंदर ये क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, गेम डेवलपमेंट, एनिमेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसके अंदर आप अपनी कैरियर अच्छे से बना सकते हो, और जो आज के दिन की बहुत बड़ी डिमांड है और वो चलती रहने वाली है. ऐसा नहीं कि आज के दिन की डिमांड है तो कल क्या उसका सिचुएशन होगा. यू ऑल नो कि लाइक गेम्स पुराने जमाने से लोग खेलते आ रहे हैं ऑनलाइन गेम्स, और डे बाय डे नई नई गेम्स आती जा रही है. कुछ गेम्स तो इतनी पॉपुलर और इतनी हॉटकेट है कि लाइक वो गेम्स के पीछे सभी लोग लगे रहते हैं, लाइक दैट. और जिसके अंदर नेटवर्क सपोर्ट भी होता है, लोग ऑनलाइन खेल सकते हैं, ग्रुप में खेल सकते हैं, और बहुत कुछ चीजें हो सकती है, तो आप अपना करियर उसके अंदर भी बना सकते हैं. ओके, सेम वे BSc IT कोर्स ऐसा कोर्स है कि जिसके अंदर दोनों साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जबकि BSc कंप्यूटर साइंस के अंदर सिर्फ साइंस स्ट्रीम, दैट मीन्स कि ए ग्रुप, बी ग्रुप या तो ए बी ग्रुप वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं. कॉमर्स के अंदर एनी स्टूडेंट्स, दोज हु हैव क्लियर 12th, वो सारे के सारे बच्चे इसके अंदर BSc IT के अंदर एडमिशन ले सकते हैं. और इसके अंदर मैं सपोज आपको एक और एग्जांपल बताऊं कि लाइक सपोज यू नो कि लाइक आज के दिन में आपको रोज डेली आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगा कि साइबर फ्रॉड के एसोसिएटेड न्यूज़, हैकिंग के एसोसिएटेड न्यूज़, तो यू कैन इवन प्रिपेयर योर कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और सिक्योरिटी ऑडिटर. ओके, तो वो आज के दिन की एक बहुत बड़ी डिमांड है, और डे बाय डे जिस तरह से ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लेके सब कुछ बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली देयर इज अ वास्ट नीड, बहुत बड़ी नीड है कि लाइक बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की आज के दिन में जरूरत है. तो यू कैन इवन प्रिपेयर योर करियर इन दिस पर्टिकुलर साइड ऑल्सो, डायरेक्शन ऑल्सो, क्योंकि आप लोग 8th स्टैंडर्ड से लेके कोडिंग करते आए हो, धीरे धीरे थोड़ा बहुत कोडिंग आप सीख रहे हो, और जो कोडिंग सीख रहे हो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है नहीं मुझे कोडिंग अच्छा नहीं लगता, नो वरी, फॉरगेट अबाउट कोडिंग. जिसको कोडिंग नहीं अच्छा लगता है दे कैन प्रिपेयर देयर करियर इन दिस काइंड ऑफ फील्ड्स लाइक साइबर सिक्योरिटी है, जिसमें अंदर कोडिंग नहीं करना है आपको. ओके, या तो सपोज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट है, कि जिसके अंदर आपको कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं. इवन दिस गेम डेवलपमेंट भी कोडिंग कम होता है. सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, उसके अंदर भी कोडिंग बहुत कम होता है. तो आप सभी तरह के एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और उसके हिसाब से अपना कैरियर डिजाइन और आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजंट इट. नेक्स्ट, और ये सब करने के बाद आप लोग अपने कैरियर कैसे बनाएंगे, तो अकॉर्डिंगली फॉर BSc कंप्यूटर साइंस देयर इज अ स्कोप. सबसे पहला स्कोप तो मैं आपको दोनों के लिए बता दूं कि लाइक द जनरली आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन द स्टूडेंट्स आर जनरली सिलेक्टिंग द मास्टर डिग्री कोर्स. ओके,
क्योंकि ये 3 साल का कोर्स है, बीएससी का कोर्स 3 साल का कोर्स है, जबकि बीई और बीटेक का कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है। ओके, तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर 3 साल स्पेंड करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका स्टडी होगा, उतनी आपकी एफर्ट्स लगेगी, उतनी आपकी फीस लगेगी। जबकि बीएससी बीटेक जो है या तो बीई है जिसके अंदर 4 साल के कोर्स होते हैं और उसके हिसाब से आपकी 4 साल की एफर्ट्स, 4 साल की फीस और 4 साल का आपका मेहनत लगेगा। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। और यहाँ पर क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स इफ यू आर सिलेक्टिंग द मास्टर्स, यहाँ और यही कॉलेज के अंदर 3 अलग अलग कंप्यूटर के लिए मास्टर कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके अंदर एमएससी बीएससीआईटी के बाद एमएससीआईटी होगा और बीएससीआईटी या बीएससी कंप्यूटर या बीएससीआईटी के बाद एमएससीआईटी, एमएससी वेब एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, एमएससी एडवांस कंप्यूटिंग, इस तरह से कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। क्योंकि बीएससी जैसे खत्म करेंगे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अभी आगे मुझे कौन सी लाइन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली यू कैन एक्सप्लोर योर स्किल और आपको जिसके अंदर आपको डीप नॉलेज चाहिए वैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, उस लाइन को आप सिलेक्ट करके उसके अंदर अपना मास्टर डिग्री कैरियर बना सकते हैं। दूसरी एक चीज़ की ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी मास्टर्स करना चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस या तो बीएससी आईटी करके भी आप अपनी जॉब शुरू कर सकते हो और आप इसके अंदर आपका कैरियर बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड एंड पॉसिबल। ओके, बट उसके लिए क्या है कि आपको नॉलेज जितना आप एमएससी लेवल का चाहिए वो नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा, बट एट द एज ए बिगिनियर यू कैन स्टार्ट योर कैरियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, इजंट इट। सो यहाँ पर डाटा साइंटिस्ट जो है वो एक बहुत अच्छी कैरियर है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क मैनेजमेंट, आईटी डेवलपमेंट, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए से फील्ड रहेंगे। और इवन इन बीएससी आईटी ऑल्सो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डाटा साइंस वगैरह, उसके उस तरह से सारे के सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इवन इसको छोड़ के आपको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए या यूपीएससी जीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है तो अभी आप इसके लिए साथ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी आज के दिन में आपने देखे होंगे अगर शायद पेपर्स कुछ भी, तो उसके अंदर ये जो कोर्सेज है कंप्यूटर एसोसिएटेड काफी सारे क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं, इजंट इट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर इन द कंप्यूटर साइंस, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। यस, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस मैडम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, सो यू कैन स्किप दिस। ओके, नो वरी। So I am just concluding my presentation at this point. Okay, if you are having any question, you can ask. Yes, you can ask your questions at the end of the session. Okay, so let's go and move on to another topic and another subject. So, हमारे पास BSc Environment Science related courses भी उपलब्ध हैं. तो मैं इसके लिए आपके साथ हमारे जो expert आज के हैं, डॉक्टर भाविन, उनको इनवाइट करूंगी कि वो हमें समझाएं कि एनवायरनमेंट साइंस को लेके हम हमारा कैरियर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें क्या क्या फ्यूचर स्कोप्स रहेंगे। सर, यू आर वेलकम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू नेहल मैम, एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल टू पास आउट द 12th स्टैंडर्ड्स, एंड वी होप दैट वी विल सी यू सून एट आवर इंस्टीट्यूट। सो एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हम स्कूल से पढ़ते आए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 3 वी आर स्टडिंग दिस एट द वेरियस लेवल। सो दिस इज द कोर्स और दिस इज अ टॉपिक विच इज बीन टॉट एट द प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, एवर एट द हायर सेकेंडरी लेवल। एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट मैंडेट, ऑल ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट मैंडेटरीली हैज टू स्टडी दिस एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट एज फॉर द एनवायरमेंट अवेयरनेस। चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो MBBS का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स who are taking the admission in the first year, right, they have to study the environmental science subject compulsorily as for the environmental awareness. So environment is what? It is something which is living in all around us, right? So we cannot just stay back to it, we cannot just neglect it. So environmental science subject jo hai, that will teach you regarding various environmental problems, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, कैसे होता है, उसके मेकेनिज्म क्या है। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ा है, बट वी हैव नॉट फाइंड आउट हाउ इट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो दिस कोर्स विल टीच यू अबाउट द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस और द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दिस एनवायरमेंटल साइंस, द न्यू फैसेट्स ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस डील्स विद द कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल रिमोट सेंसिंग, आप अभी जब ओपन करते हो, इफ यू वॉन्ट टू कम टू SRKI कॉलेज फ्रॉम योर हाउस एंड यू डोंट नो एनी पैथ, तो पहले क्या होता था, हम पोस्टल एड्रेस से जाते थे, इसके सामने इसके पीछे, वी हैव सम माइल स्टोन्स, राइट? बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट, वी हैव अवर गूगल मैप एप्लीकेशन, वी ओपन इट अप, वी फीड ऑन द एड्रेस एंड वी गो इट, राइट? सो इट ऑल डील्स विद द रिमोट सेंसिंग एंड द GPS और GIS डेटा। सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू टेक्नोलॉजी और द न्यू
काइंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एनवायरमेंटल साइंस. अभी जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट है, अमृत सब स्कीम्स है, सो ऑल दिस रन्स ऑन टू द एनवायरमेंटल एंड द रिमोट सेंसिंग प्रोसेसेस, राइट? सो इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू कैन नॉट सेपरेट, यू हैव टू लिव इन टू द एनवायरमेंट एंड हेंस यू हैव टू स्टडी द एनवायरमेंट एज वेल. It brings together the field of ecology, that is the whatever surrounds you, then biology, zoology, oceanography, or you can get geography, atmospheric science, soil science, geology, chemistry, and it is an interdisciplinary approach or the holistic approach to study all of the subjects together. You cannot separate the chemistry, you cannot separate the geography, you cannot separate the climate or atmospheric science. So all of this field comes into the environmental science subject. आपको क्यों ये पढ़ना है? आपको इसलिए ये पढ़ना है कि देर आर सो मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच आर वी फेसिंग. पॉल्यूशन है पहले तो, सेकंड ग्लोबल वार्मिंग है, थर्ड इज फ्यूल प्राइसेस, राइट, फोर्थ इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. ऑल ऑफ दिस आर लाइक मेजर क्वेश्चंस टू द ह्यूमन काइंड. वी नो दैट लाइक इन फ्यू इयर्स वी आर बीन डिप्लीटिंग विद आवर पेट्रोलियम रिसोर्सेस, राइट? पेट्रोल के दाम जो है वो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं. पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. इफ यू गो समवेयर इन टू द सचिन और जीआईडीएस एरिया, यू हैव टू You have a very foul smell, बहुत गंदी smell वहां से आती है. That is because of the pollution, the industry's emissions, right? कभी आप उधना की side जाते हो तो वहां पे खाड़ी के वजह से काफी सारी गंदी smell आती है, right? So all of these are the environmental problems and we have to solve it. And for that you have to study the environment subject, fine? Ma'am, please next slide. So what BSc Environment Science focuses? So BSc Environment Science focuses on serving the interdisciplinary knowledge. It is not a single, subject. It is the combination or, the applications of most of the important subjects of the science and the law and the policies, governmental policies, all of them are blended together into a single roof. That is a BSc Environmental Science. It focuses on serving the interdisciplinary knowledge which are engrossed with the biological, chemical, physical, and technological sciences, right? Biological is ecology or microbiology or biotechnology, what you have studied, heard earlier. Then chemistry, physics, and the technology, like amalgamation of the computer technologies or the information technologies. It emphasizes on the study of not only the earth environment, but the planetary science as well. What is like availability? What is the atmosphere onto the other planets or the nearby thing? And what is its impacts onto our planet Earth? That is what we are also studying, right? It also studies the diversity of the ecosystem, like when we go to the hill station or when we go to the somewhere else for our recreational purpose. It is not just because it has been marked as a hill station. It has some aesthetic value. Right, it has good biodiversity. We enjoy that biodiversity, seeing that biodiversity. So that all diversity, biodiversity, when what we are seeing into the ecosystem is also a part of BSc Environmental Science studies. It enables students to undertake the further studies in environmental science that can be helpful in grabbing enormous opportunities. So what after BSc Environmental Science? So first of all, the options are available that you can go for the MSc Environmental Science, you can go for the MSc Industrial Safety and Management, right? Second, aap BSc karne ke baad B.Ed kar sakoge, because all of the school curriculum which has been specified by any state board or NCERT or CBSE or ICSE, whatever the board you will take, environmental science or environmental studies will be the subject at the school level also. All of this standard do have this subject mandatorily, right? So after doing B.Ed, you can opt for the teaching courses, you can go for the research, you can go for the UPSC or civil services examination, right? So UPSC or civil services ke examination mein environmental science is one of the mandatory subject that you have to pass. So the course is at par designed so that you can have the preparation for your UPSC or civil services examination, where you will study the ecosystem and natural resources, earth science, disaster management, pollution management, whatever the disaster management, like pandemic disaster which we are going through. So that management is also part of BSc Environmental Science. Then how you will control the pollution, what are the control technologies? First of all, you have to detect the pollution and then you have to control the pollution. So all this management is a part of BSc Environmental Science. Then jaisa maine bola ki geoinformatics and remote sensing, so our department has been recognized as a nodal center for ISRO courses. Jo Indian Space Research Organization hai,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, तो उसका एक नोडल सेंटर है कि जो कि आउटरीच प्रोग्राम चलाते हैं. सो काफी सारे आउटरीच प्रोग्राम, व्हेन यू एंटर इनटू आवर कॉलेज यू विल बी एबल टू टेक दोज प्रोग्राम्स. द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम्स आर कंप्लीटली फ्री. यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रूपी फी बिकॉज यू आर बीन स्टूडेंट ऑफ SRKI. यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रूपी फी फॉर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम. एंड सेकेंड थिंग इज whenever you are passing these programs by the ISRO or by the Department of Space, you will be provided a certificate which has been valid throughout the India as well as the across the India. That is the one plus point of the BSc Environmental Science course. Also, our department is registered with the UNEP, that is United Nations Environmental Programs. So United Nations ke jo EO programs chalte hain, usme bhi aap participate karke you can also earn the certificate. Second, third thing, our department has been liaisoned with the many industries, many institute as well, so that whenever they run such programs, they will pass on the information where our students can participate and earn the certificates apart from actual degree certificate of the BSc Environmental Science. So, आप जब BSc Environmental Science पास ऑन करोगे, आप डिग्री ले लोगे, तो आपके साथ BSc Environmental Science की तो डिग्री होगी ही होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दिस आउटरीच सर्टिफिकेट्स विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर कैरियर एडवांसमेंट व्हिच विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स. देन यू कैन हैव एनालिटिकल मेथड्स फॉर द पॉल्यूटेंट डिटेक्शन, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी. सो लेजिस्लेशन इज वाई इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अंटिल अनलेस यू नो द लॉ, अंटिल अनलेस यू don't know what is the limit, you cannot actually fight for the environmental pollution. So aapko law bhi padhna hai, so it is an integral part of the environmental studies. Fine, next slide please ma'am. So jaisa maine bataya ki aap BSc environmental science karne ke baad you can have a diversified career, you can go in industries because sabhi industries mein environmental officers hote hi hai which will take care about the pollution emission or the discharge emissions. Then you can go for the laboratories, जहाँ पे वो environmental pollutant या parameters को measure continuously measure करते हैं. Then you can go for the central state, जैसे CPCB, Central Pollution Control Board हो गया, या तो GPCB हो गया, या तो local governing bodies, काफ़ी सारी local governing bodies, municipal corporations की भी होती है, वहाँ पे भी आप exams देके you can enroll for the job. You can also go for the academic or the teaching part, as I have told you, कि B.Ed करने के बाद आप schools में teaching करने के लिए भी जा सकते हैं. Then you can also pursue the Master of Science in the related fields of the subject. Environmental management हो गया, environmental science हो गया. So whatever subject you like, you can go for the higher studies as well as for the PhD as well. Some popular career options like you can go for the pollution control and monitoring laboratories. आप जब मजूरा गेट से अठवा गेट की तरफ जाते हैं तो गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज पे देयर इज वन बोर्ड राइट व्हिच कंटीन्यूअसली डिस्प्लेस द एयर पॉल्यूशन डेटा. सो वो ऐसे आर्बिट्रली दे आर नॉट डिस्प्लेइंग, दे आर एक्चुअली मेजरिंग एंड डिस्प्लेइंग इट. सो इट दैट इज अ लाइव मेजरमेंट एंड डिस्प्लेइंग ऑप्शंस इज अवेलेबल. सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर द पॉल्यूशन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग लेबोरेटरीज वेर यू कैन able to measure the pollutant. You can have opportunities in government sectors like forest or geological surveys or maritime board or water pollution control board, sewage supply board, rural planning, etc. There are so many botanical gardens and zoological parks, like for example we have a biodiversity park at Althan or zoological park at Sarthana. So just for the maintenance of the animals or the plants which have been there into the gardens, you can have a job there. You can go for the environmental analyst, water treatment plants and solid waste management sites. That jo hamari solid waste management site Khajod mein hai, to uska maintenance karne ke liye bhi they need the environment scientist. You can go for there also. Ma'am, please next. So holistically, if you see, the environmental science subject is a subject which you can go for the every aspect of the environment, right? So as madam has told you that she has shared some link into the chat box. So this is a general awareness quiz about the environment. You all please can attempt this quiz. Also, you can pass it on to your related friends or the students of your classmates so that they can also attempt. So after attempting this quiz, you will be getting the e-certificate which you can show as your career options. Fine. Thank you so much, Nehal madam. Thank you so much, students, for attending this webinar. Thank you, Bhavin sir. So if you have any questions related to environment science, you can ask at the end of the session. Moving on to the next subject,
And perhaps this is the last subject that we are discussing for our courses, and that is microbiology. And I invite Dr. Helena ma'am to share her views. हम कैसे BSc microbiology को लेके आगे microbiology के field में career बना सकते हैं. We know that we have gone through pandemic since last 1.5 years, और viruses have been very deadly. तो अगर आपको ऐसे सूक्ष्म जीवाणु के साथ काम करना है तो आप इस विषय को use कर सकते हैं. तो मैं invite करती हूँ Dr. Helena, please go on. Thank you, Nehal ma'am. Okay, good morning everyone. So we will discuss in short about what exactly microbiology is and what will you study in microbiology and how microbiology is focused everywhere. Okay, so ma'am, please next slide. Okay, so microbiology basically is, we can say, that study of very minute organisms, living organisms that we cannot even see through our naked eye, right? The air we breathe, right? The food we eat, everywhere microorganisms are involved. Okay, so microbiology as such have a great importance in our routine everyday life also. Okay, so we will study in microbiology, we will study about these minute microorganisms such as bacteria, viruses, fungi, right? So that we can get to know more in detail about these microorganisms, and we can get to know that how these microorganisms can be used, how they can be useful in a positive way, as well as how they are harmful. Okay, so we will see the negatives as well as positives of these microorganisms while studying the microbiology. Right now, you must have a question that if these microorganisms are very minute that we cannot see them through naked eye, then how can we able to study them? Okay, so for studying these microorganisms, a microscope, we take help of microscopes, right? So that we can see these microorganisms and study in detail about them. Now, the microbiology, as I said, that all these microbes have a huge influence on our everyday life, right? So how? Okay, wondering how? So first, I would like to give you basic example that we will discuss about the microbes that are beneficial to us, right? That are positive for us. Okay, so first is microbes are also present in our human gut. They help us in digestion. Okay, now next is the food that we enjoy, right? Such as bread, cheese, curd, and the beverages such as wine, beer, all of these beverages preparation also involves the participation of microorganisms. Yeast, you must have heard about the same, right? And for preparation of this type of food such as cheese and bread and all, different bacteria are being used, right? So it is justified that the role of microbiology is in food industry also, as well as in beverages and dairy industry also, right? Now the biofertilizers nowadays, to prevent the environmental pollution, farmers are switching over to the usage of biofertilizers, right? So these biofertilizers are also the biofertilizer, microorganisms can be used. Right, so with the help of their activity of these microorganisms, we can enhance the crop yield. Okay, now the important hormone, that is insulin, right? As you have already learned about that, so insulin is also very much important, right? So commercial production of insulin also involves the use of the combined use of microbiology as well as biotechnology for its large scale preparation. Okay, the antibiotics that are available are also products of microorganisms only, right? Microorganisms also have a role in prevention of pollution also, right? Therefore, we know that textile industries are there, right? Too many textile industries are there in Surat. Okay, so water pollution is also a bit a problem for the nearby surrounding water bodies that are situated nearby Surat. Okay, so for this treatment of this polluted water also microorganisms are being used,
right? So yes, microbiology also have a role in wastewater treatment plant also, right? Ma'am, next slide please. So we can say that these were the few examples of where microorganisms are beneficial to us, right? Now, it is not so that there are only pros of these microorganisms. There are negative impact of microorganisms also. Okay, so what are the negative effects? How microbes can be dangerous to us, lethal to us? Okay, so all of you must have heard about the term disease, right? Disease, Badane, we know that disease, you are aware of the term disease, right? So these microorganisms can cause several diseases to human, animal, plants, etc. Okay, to other living creatures also. So the two common diseases I would like to say, that cholera, typhoid, right? So these two diseases that can occur as a result of the usage, as a result of the ingestion of the contaminated food or water, right? So these are because of the bacteria. So this disease are caused by the bacteria. Now, so microorganism, as we have seen that they are important for preparation of food. On the contrary, they can also spoil the food. And eating that spoiled food, we can get diseased condition, right? We can get our stomach upset, etc. Right? Now, you must have heard about the other syndromes such as AIDS, SARS. Nowadays, coronavirus infection is a pandemic, right? So you all know that respiratory disorder is there because of the infection of this coronaviruses. So SARS, polio, hepatitis, right? So all these major diseases are caused by virus and other microorganisms, right? Which are very deadly, must to say, right? So we can say that there are both positives as well as negatives of these microorganisms, but it is the way that how we can exploit them. Okay, so now I would like to say say that these microorganisms are both friends as well as enemies to us, but by studying the microbiology in detail, we can get to know that how we can use these microorganisms. So for this purpose, the course is designed in a way that we can study the structure, the functioning of these microorganisms. And by studying all this, they can nullify the, or they can say that we can treat the adverse effect of these microorganisms that we have seen, right? That they are disease-causing microorganisms. So by getting the deeper understanding about the structure and functioning of these microorganisms while this course, we can treat these, treat the adverse effects of this. Okay, so we can say that why studying microbiology is important. So all of you must have got your answer by now that yes, of course, studying microorganisms, studying microbiology is very important. Why? Because of the versatility of these microorganisms, it is a most important discipline of this biology, and the versatility of the microorganisms helps us to study about the microorganism and where we can use them. Okay, so we can use microorganisms in agro industries also for preparation of biofertilizers. We can exploit the microbes to treat the or to clean up the pollution that is in water or sewage treatment plants, right? In food and beverages industries preparations also microorganisms are being used. Okay, so in dairy industries also microbes are used. Okay, so during the course is designed in a way that we can focus onto all these aspects of the microbiology that deals with the environment, that deals with the health of the individual, that deals with the pollution, dairy, pharma industries, etc. Right. So, of course, after studying the bachelor's in microbiology, we can opt for the master's degree course. Right. So, our university offers the master's degree course in microbiology. In we can say that in microbiology, MSc in microbiology, MSc in industrial microbiology, wherein we can study about the microorganisms from the their usage from the industrial point of view. Then PGDMLT course is also there,
where medical, which we called as postgraduate diploma in medical laboratory technology. So that particular course will teach you about the health profession that is related to the diagnosis of the disease, treatment and prevention of the disease that are being caused by this microorganism, right? So wherein several laboratory tests will be performed so that we can get to know more in detail about the health and diagnosis. Okay, so likewise, we can say that microbiology, of course, after this, we can post a master's. Apart from the master's degree, we can also opt for the jobs in the food and beverage industries, the agro industries, right? And dairy, environment, water treatment plant also. So we can say that thanks to the versatility of these microorganisms that we can use in many ways, as we have discussed, that is for making the life-saving drugs to the processing of variety of foods also. Thank you, ma'am. Thank you, Helena, ma'am. So, dear students, these are all the different courses and subjects that we offer at our institute. अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री, आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं. अगर चाहें तो उसका वेबसाइट देख के उसके ऊपर से भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती हैं. यू कैन इवन रिंग अस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इसमें आपको हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी. हम ईमेल पे भी उपलब्ध हैं और काफ़ी सारे सोशल मीडियाज पे भी हम अवेलेबल हैं. तो आप अपना आगे का कैरियर कैसे बनाना है उसके हिसाब से, ये कोर्सेज के हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ. और अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो अब सेशन ओपन है आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, तो प्लीज़ फील फ्री. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं. तो सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर. If you want to ask something, please feel free. अगर कोई भी प्रकार की क्वेरी है, कुछ भी करियर ओरिएंटेड, तो आप बिना झिझक के हमसे पूछ सकते हैं. आपके साथ काफी सारे यहाँ टीचर्स अवेलेबल हैं तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी. तो कोई भी क्वेरी नहीं होने की वजह से मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको काफी सारा. हेलो मैम, आई डोंट हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्सेस, बट आई वांट टू नो व्हेन विल बी द एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल. एडमिशंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन. सो अगर आपकी इच्छा है तो आप कॉलेज आ जाइए और वहाँ पे आप इंक्वायरी कीजिए, या फिर आप अगर सार्वजनिक यूनिवर्सिटी .ac.in वेबसाइट पे जाएंगी तो आपको एडमिशन के रिलेटेड इंटरेस्ट फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उसे आपको भरना रहेगा. एडमिशंस आर ऑलरेडी ओपन, तो प्लीज़ डोंट वेट. अगर आपको किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, वेदर आप इंस्टीट्यूट पे आएंगे या घर से भरेंगे, यू हैव टू गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन. तो आप ये वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं. थैंक यू मैम. मैम एक और बात पूछनी थी मुझे. हाँ जी. अभी एडमिशन जैसे आपने बोला चालू हो गए तो, बट हमारे अभी तक 12th के रिजल्ट्स आए नहीं है तो. हाँ, तो ये खुला रहेगा. अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जिन जिन को जिस भी कोर्सेज में इंटरेस्ट है उन्हें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म भरना है. एडमिशन फॉर्म डायरेक्टली नहीं भरना है, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म रहेगा जिसमें आप अपना इंटरेस्ट बताइए कि आपको कौन से कोर्सेज में
क्या कोर्सेज आप लेना चाहते हैं वो प्रायोरिटी के हिसाब से आप टिक मार्क कीजिए. जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको वापस से अलग एक एडमिशन फॉर्म भरना रहेगा और उसके लिए आपको वहां से इंस्टीट्यूट से कॉल आएगी कि अब एडमिशन फॉर्म आप भरिए. बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉट द रिजल्ट. अभी कुछ सेट का भी एग्जाम होना बाकी है और काफी सारे बच्चे दूसरे बिकॉज बोर्ड भी अलग अलग हैं तो उनके भी रिजल्ट्स अटके हुए हैं. तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन नहीं जाएगा. आप फिक्र मत कीजिए. आप ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म एक भर के रखिए. तो उससे क्या होगा कि वी नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन ऑप्टिंग फॉर सम कोर्स. तो लेटर ऑन जब एडमिशन प्रोसीजर फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा तो आपको इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट किया जाएगा. तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन ईमेल में भी आती रहेंगी. जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ेंगे एसएमएसेस और ईमेल्स आपको आएंगे इंस्टीट्यूट से तो आपको पता चलेगा कि आपको और कोई फॉर्म भरना है, कब भरना है, उसके साथ आपको क्या क्या अटैचमेंट अपने रिजल्ट के लिए, कौन से शीट्स अटैच करने हैं. तो सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होना है. तो ये अभी आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म भर दीजिए. वो ऑनलाइन है और वो ये सार्वजनिक यूनिवर्सिटी डॉट एसी डॉट इन पे उपलब्ध है. ओके मैम, थैंक यू. ओके, इफ एनी अदर क्वेरीज प्लीज फील फ्री. आप इंस्टीट्यूट विजिट भी कर सकते हैं. इट इज ऑपोजिट टू चौपाटी गार्डन इन अठवा लाइन्स एरिया. तो आप जब भी फ्री हैं आप आइए. आपको काफी सारे वहाँ हमारे काउंसलर्स मिलेंगे जो आपको पूरा इंस्टीट्यूट विजिट करवाएंगे. आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर या सब्जेक्ट्स या फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस के लिए तो आप पर्सनली टीचर्स से मिल सकते हैं और उनसे आप अपनी क्वेरी सॉल्व भी करवा पाएंगे. तो डू विजिट, टेक अ चांस टू विजिट द इंस्टीट्यूट. एंड वहां पे भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम में हमें कन्वीनियंस ही नहीं है तो वहां से भी आप बैठ के अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म भर पाएंगे. और भी कोई क्वेरी है तो वी आर ओपन फॉर दैट. सो आई अंडरस्टैंड के सभी को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी. श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड अप्लाइड साइंस के पूरे स्टाफ की ओर से कि आज आप लोग हमसे जुड़े और आपके स्कूल ने और ख़ास करके आपके प्रिंसिपल ने हमें इतना टाइम देने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. तो सभी का बहुत ही धन्यवाद है और हम सब आपका स्वागत करते हैं. हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हमारे कोर्सेज से जुड़िए और अपना कैरियर और ज़्यादा बेहतर बनाइए. तो उसी नोट पे वंस अगेन थैंक यू एवरीबॉडी. वी क्लोज द सेशन हियर फॉर द डे. थैंक यू सो मच.